Assalamu alaikum, dear students. In my previous lectures, we have discussed the lesson number one, the dying sun, in detail. And today we are going to solve its exercise, which is basically the question answer session. And this lesson comprises 8 questions. Okay, the lesson is the dying sun. We are going to solve exercise here. Actually, everything is given in your book. But sometimes there are certain students who face difficulty and they find the answers difficult. So for their convenience, because my job is that of a facilitator, maine aapka kaam aasan banana hai. So wherever I feel the answer can be amended, isme koi change la sakte hain, I'll try my best to help you out to make it or present it in the easiest way. So let's see question number one. How is that a star seldom finds another star near it? If you remember my lecture, I have discussed it in detail. But still, let's see what the book says. कि एक सितारा किसी दूसरे सितारे को अपने करीब क्यों नहीं पाता, यानी सितारे एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आते हैं. द रीज़न आई हैड टोल्ड यू दैट द यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट एंड यू नो दैट देर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स इन इट एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ ऑन द मूव. डू यू रिमेंबर दैट पैराग्राफ? आपको अगर याद है, कुछ मेरा लेक्चर सुना है तो आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि वो सारे इसलिए करीब नहीं आते कि ईच एंड एवरी स्टार इज़ लाइक अ शिप ऑन मूविंग ऑन एन एम्प्टी ओशन. ऐसे जैसे कि एक खुले समंदर पे एक कश्ती तैर रही है, तो उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है जी, लेट्स सी. द यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट एंड देर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स अमंग द स्टार्स. जो यूनिवर्स है, हमारी कायनात बहुत ज़्यादा वसीह है और जो सितारे हैं उनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है. मिलियंस, मिलियंस ऑफ माइल्स का मतलब है कि मिलियन 10 लाख को कहते हैं. मिलियंस ऑफ माइल्स का मतलब है कि वो करोड़ों के हिसाब से आगे बढ़ जाते हैं, लाखों करोड़ों मीलों का फासला हो जाता है. दैट इज़ वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट. यही वो रीज़न है कि एक सितारे के करीब दूसरा सितारा नहीं आता. सेल्डम, मैंने आपको बताया था, रेयर इसका मीनिंग होता है कि शाज़ो नादर ही कभी ऐसे हो कि कोई सितारा किसी के करीब आए. मोर ओवर स्टार्स रिवॉल्व इन देयर ऑर्बिट्स. और दूसरी रीज़न वो ये बता रहे हैं कि सारे अपने ऑर्बिट्स के अंदर, इसको अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो आई वुड से कि आप हमेशा, आपका आधा आंसर क्वेश्चन के अंदर ही होता है व्हेन यू आर डूइंग शॉर्ट आंसर्स. देखें, यहाँ से अगर हम इसको स्टार्ट करें, ये बुक वाला ओके है, बट फॉर दोज हु कैन नॉट प्रिपेयर इट और दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट फॉर देम, मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ. स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट. ठीक है, यहाँ तक आप उठाएंगे इसी में से. उसके बाद आप कहेंगे बिकॉज देर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स अमंग द स्टार्स. तो ये आपका आंसर बन जाएगा. लेट्स राइट इट डाउन. अब मैं आपको लिख के देती हूँ. जब हम दो सितारों की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए बिटवीन इस्तेमाल होता है, बट व्हेन द थिंग्स आर मोर देन टू, तो जो दो से ज़्यादा चीज़ें हो जाएं, उन उर्दू में लफ्ज़ दरमियान ही इस्तेमाल होगा, बट इन इंग्लिश वी यूज़ द वर्ड अमंग. बट वी आर टॉकिंग अबाउट आ स्टार फाइंड्स अनदर्स. हम दो सितारों की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे बिटवीन दैम. ठीक हो गया. So we have an answer that a star seldom finds another star near it because there is a distance of millions of miles between them, right? अब आप देखें question number 2.
What happened when, according to Sir James Jeans, a star wandering through space came near the sun? जब एक तारा खला में घूमता हुआ उसके सन के करीब आ गया था तो उसका रिजल्ट क्या हुआ था? यू नो, आपको वो सारा सीन याद होगा कि इट क्रिएटेड डिस्टर्बेंस ऑन द सरफेस ऑफ द सन, इट रेज अ ह्यूज माउंटेन ऑफ लावा ऑन द सरफेस ऑफ द सन, इट वाज अ सुनामी लाइक कंडीशन, सारा याद आया आपको? तो जब हम उस सारे सीन की बात कर रहे हैं तो हमने पहला जो इम्पैक्ट था वो बताना है, ठीक है? वो डिटेल में नहीं जाना, उन्होंने सिर्फ उसका फर्स्ट इम्पैक्ट पूछा है। तो वो कहते हैं सर जेम्स जीन्स के मुताबिक जब एक सारा इत्तेफाकन सूरज के करीब आया तो क्या वाकया रूनमा हुआ? अब आंसर देखें, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो अ स्टार हैपन टू कम नियर द सन एंड रेज ह्यूज लाइट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सन। अब वो कहते हैं कि तकरीबन जो सूरज था इसके करीब जो है एक सितारा आ गया और उसने उसकी सरफेस पे क्या किया, ह्यूज टाइड्स, बहुत बड़ी लहरें पैदा कर दी। उसका रिजल्ट क्या निकला? हाउ अ हाई माउंटेन ऑफ वेव्स वाज फॉर्म देयर, उसके ऊपर बहुत बड़ी एक माउंटेन खड़ी हो गई थी, एक पहाड़ खड़ा हो गया था जिसे हम कहते हैं वेव्स का, जिसे हमने क्या कहा था कि एक सुनामी थी। अब जब आपने ये आंसर करना है तो वी आर गोइंग टू आंसर, जो बच्चे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं वेल एंड गुड, जिनके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है उन्हें मैं ज़्यादा आसान आंसर आपको इसका बताती हूँ। देखें, आधा आंसर आपके क्वेश्चन में है, आप कहें कि व्हेन जैसे ये व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ स्टार वैंडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन, आप बेशक वैन ना ऐड करें, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन से स्टार्ट कर लें, अ स्टार वैंडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन और आगे से करें आप इट रेज्ड ह्यूज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, इट रेज्ड, ठीक हो गया? और आप कहेंगे एज अ रिजल्ट अ हाई माउंटेन ऑफ वेव्स वाज फॉर्मड देयर, ठीक है जी? According to Sir James, a star wandering through space came near the sun. It raised huge tides on the surface of the sun as a result a high mountain of waves according to Sir James Jeans, a star wandering through space came near the sun. It raised huge tides on the surface of the sun. As a result, a high mountain of waves was formed there. वो सूरज के करीब आया और उसने उसकी सरफेस पे डिस्टर्बेंस पैदा की और वो क्या था, raised huge tides, बहुत बड़ी बड़ी उसके ऊपर लहरें पैदा कर दी, मोजें खड़ी कर दी और एक बहुत बड़ा माउंटेन ऑफ वेव्स, यानी जिसे हमने मैंने सुनामी का वर्ड आपके लिए यूज़ किया था कि उसके ऊपर वो एक माउंटेन, एक पहाड़ खड़ा हो गया उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड व्हेन द वैंडरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर, जब वो करीब से करीब तारा आता गया, वो बड़े वाला सितारा, तो क्या हुआ? तो आप कहेंगे
When the wandering star came nearer and nearer, the mountain of waves rose higher and higher on the surface of the sun. तो जैसे जैसे वो करीब आता गया सूरज की सतह पे, वो जो माउंटेन खड़ी होगी थी वो बड़े से बड़ी अपने साइज में होती गई. और ये आंसर बिल्कुल ठीक है और बहुत ईजी है, एवरीबडी कैन प्रिपेयर इट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर प्लैनेट्स, हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस. इसमें आपसे पूछा गया है कि प्लैनेट्स क्या हैं, सितारे क्या हैं और वो किस तरह वजूद में आए हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Let's see what the writer says about it. Planets are heavenly bodies revolving round the sun in fixed orbits. इनके ऑर्बिट्स जो होते हैं, मदार होते हैं फिक्स, उसमें ये मूव कर रहे हैं. और ये हेवनली बॉडीज़ हैं. हेवनली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो आसमान के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं. उर्दू में, इन टिपिकल उर्दू हम उन्हें अजरामे फलक ही कहते हैं. Once a star came near the sun, when that star began to move away, the mountain of waves was torn into pieces. These pieces fell off into space. वो सितारा सूरज के करीब आया और जब ये हटने लगा तो क्या हुआ था कि वो जो माउंटेन बन गई थी वेव्स की, इट वॉज टोन इंटू पीसेस. टीयर टोर टोन, टीयर होता है किसी चीज़ के पीसेस कर देना, तोड़ देना, फाड़ देना. तो टोन इंटू पीसेस मीन्स कि इट वॉज टर्नड इंटू पीसेस, इसके इसको टुकड़े टुकड़े ये हो गया था. एंड दीज पीसेस फेल ऑफ इंटू स्पेस, और ये जो टुकड़े थे स्पेस में बिखर गए थे. एंड दे आर प्लैनेट्स एंड आर अर्थ इज़ वन ऑफ देम, इनमें से हमारी अर्थ भी एक है. अगर इसको इफ़ आई हैव टू सिंप्लीफाई द आंसर फॉर यू गाइज, तो देखिए आपके लिए आसान बात क्या है. आपने यहाँ तक तो यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस हैपनिंग इन योर आंसर नंबर, यस आंसर नंबर 2, व्हेन अ वैंडरिंग स्टार raise huge tides on the surface of the sun. We'll take this part from this answer which you have already done. जब आपने याद किया वो होगा ऑलरेडी, तो आपको उसी को रिलेट करने में आसानी होगी. ठीक है, फिर आप कहेंगे कि रेज टाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सन, उसमें फिर क्या था कि हम ये वाला स्किप कर देते हैं हायर एंड हायर. उसके बाद हम ये कहेंगे कि जब वो मूव अवे हो रहा था, वहाँ से मूव कर रहा था, तो वो जो माउंटेन ऑफ वेव्स थी उसके पीसेज हो गए थे. राइट right?